ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे टाइम पूछना चाह रहा हूँ. व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हुआ है? इट्स टाइम टू मेक मनी. इट्स टाइम टू मेक मोर मनी. बिकॉज इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वेबसाइट फ्लिपिंग से पैसे बना सकते हैं. ये टॉपिक की पूरी सीरीज जो है, जो अभी तक आप पीछे से देखते आ रहे होंगे और साथ साथ आगे भी देखेंगे और सीखेंगे, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस इकोसिस्टम. अगर आप वर्डप्रेस इकोसिस्टम को समझ गए तो आप पैसे बनाने का हर गुर समझ जाएंगे. जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पे आप थीम्स बेच के पैसे बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे एड्स लगा के पैसे बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे कोर्स बेच के पैसे बना सकते हैं, इसी तरह आप वर्डप्रेस की साइट को बेच के भी पैसे बना सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेबसाइट फ्लिपिंग. तो आखिर वेबसाइट फ्लिपिंग होती क्या है? व्हाट इज वेबसाइट फ्लिपिंग? इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट्स. यू मी एवरीवन आउट देयर हु यूजेस वर्डप्रेस हैज अ कॉमन गोल. वो कॉमन गोल क्या है? वो कॉमन गोल ये है दैट वी वांट टू मेक मनी एंड वी वांट टू मेक प्रॉफिट्स. और इसी वजह से हम इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, हम इस इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, सो वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. और इन पैसों से ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी बदल सकें बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकें और पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक मेजर सेंटर पॉइंट बना सके. और इसी तरह इसी सोच के साथ मैं आपको एक वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरो से मिलवाना चाहूंगा जिसने इसी सोच से अपनी जिंदगी भी बदली और अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी बदल दिया. द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन इज सलमान सईद. सलमान सईद जो कि फाउंडर हैं कुछ और भी बड़ी मशहूर वेबसाइट्स के, लाइक खान मीटर, आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले उन्होंने एक साइट बनाई जिसको उन्होंने 1 करोड़ रुपए के दामों में बेचा. एंड दैट साइट वॉज गैगिज्म, gagism.com. सो सलमान इज द फाउंडर ऑफ गैगिज्म एंड ही सोल्ड इट फॉर 1 करोड़ रुपीज. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट फ्लिपिंग कि भाई आप एक वेबसाइट बनाएं, एक सर्टन ऑडियंस को टारगेट करें और फिर आप उस वेबसाइट को अच्छे दामों पे बेच दें. एंड दैट्स अ प्रोसेस दैट इफ यू कीप रिपीटिंग यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. सलमान से तो आप आगे जाके मिलेंगे बिकॉज सलमान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर वर्डप्रेस के सुपर हीरो सीरीज. सो यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम हिम, यू विल गेट टू टॉक टू हिम एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद हिम. लेकिन इससे पहले कि हम सलमान की स्टोरी को ज़रा डीप अंडरस्टैंड करें और देखें कि उन्होंने ये कैसे किया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल स्टेप्स टू फॉलो फॉर वेबसाइट फ्लिपिंग. वेबसाइट फ्लिपिंग का मैंने आपको बता दिया क्या होती है. इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट्स. बट प्रोसेस क्या है? तो नंबर वन, सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट नीश. नीश क्या है? नीश इज द टॉपिक, इज द एरिया जिस पे आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं. और चूंकि वेबसाइट फ्लिपिंग इज अ शॉर्ट टर्म गिग, तो इट्स बेटर टू फाइंड अ नीश और अ टॉपिक जिसकी शॉर्ट टर्म रीच ज़्यादा हो. इट कुड बी समथिंग लाइक एन इवेंट और द फीफा वर्ल्ड कप. सो अ नीश इज एनी टॉपिक दैट पीपल आर लुकिंग ऑन गूगल. सो गूगल पे अगर लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो आपका नीश है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होम रिपेयर की कोई चीज़ लोग गूगल पे देख रहे हैं तो आपका नीश बन जाएगा होम रिपेयर.
But be very careful with your choice. Your niche must be one where the target audience is willing to pay for what you have to offer. भाई अगर आप कोई ऐसा niche choose करेंगे जिसमें लोग देखना ही नहीं चाह रहे, लोग visit करना ही नहीं चाह रहे, तो that's the wrong niche. Choose your keywords. The next step, step number two, is to choose के आपने किन keywords को target करते हुए अपनी website को बनाना है. So use the Google AdWords keyword planner to choose keywords for your website. And we suggest कि आप ऐसे keyword phrases को choose करें जिसकी traffic 100,000 से at least कम हो. So you don't have a lot of competition. उसके साथ साथ number three is adding supported keywords. कुछ ऐसे 5 से 10 और keywords जो कि आपके main keyword को साथ साथ support कर रहे हैं. ये आपको help करेंगे अपने content को refine करने के लिए, अपने content को categorize करने के लिए. Number four is to buy a domain name which is keyword rich. Keyword rich domain name क्या होता है? Keyword rich domain name is a domain name जिसके नाम में ही आपका keyword हो. So I'll give you a small example of this website that I created while recording this course. It's my name Saad. So you can go on withsaad.com. ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने अभी बनाई है और इसमें कीवर्ड जो मेरा नाम है वो भी आ रहा है. इसी तरह जो आप साइट बनाएंगे उसमें आपका कीवर्ड आना जरूरी है. So do visit withsaad.com because I have a lot of exclusive information for my DigiSkills trainees and DigiSkills participants on that. और वेबसाइट जो आप यूज कर सकते हैं to register your domain name is Namecheap. Namecheap का हमने आपको पहले भी बताया था और अगर आप previous courses को जाके देखें तो हमने आपको उनमें कुछ ऐसे topics का बताया हुआ है जिससे आप right domain registrar ढूंढ सकते हैं. So that's very very critical. .com नहीं मिलता तो .org ले लें, .org नहीं मिलता तो .info ले लें. कोई भी डोमेन नेम जो आपके लिए सही है, आपके लिए काम करता है, ट्राई टू फाइंड दैट. नंबर फाइव इज टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट. भाई कंटेंट बहुत जरूरी है. वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड दिस इज वेयर यू कैन यूज वर्डप्रेस बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड एज वेल एज टू SEO फॉर योर कॉन्टेंट. आर्टिकल्स पब्लिश करें, कॉन्टेंट डालें और एटलीस्ट अपनी साइट को बेचने से पहले या फ्लिप करने से पहले 50 टू 70 आर्टिकल्स तो लाजमी लिख लें. फिर अपनी साइट को सबमिट करें टू सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू. एंड द सेवेंथ पार्ट इज टू प्रमोट योर वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो यू कैन गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक. जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक आना शुरू होगी आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू सेल इट. सो भाई आपके पास ट्रैफिक आ गई, अब आप उस साइट को बेच के यू कैन मेक मनी. तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस तरह से सेल करें, कहां सेल करें. सो द वेबसाइट दैट वी रिकमेंड फॉर फ्लिपिंग वेबसाइट्स इज कॉल्ड flippa.com. एज यू कैन सी हियर, flippa.com इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर दोज हु वांट टू बाय एंड सेल वेबसाइट. एंड टू गिव यू अ स्नीक प्रीव्यू ऑफ दिस साइट वी विल टेक यू लाइव एंड शो यू कि flippa.com क्या है, कैसे चलती है और कैसे इस पर आप वेबसाइट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. सो गूगल पे जाते हैं और इस पर लिखते हैं फ्लिपा. आप फ्लिपा लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी flippa.com. दिस इज द साइट वे यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट फॉर योर सेल्फ टू सेल योर वेबसाइट्स. सो फ्लिपा हेल्प्स यू लिस्ट फास्टर, कनेक्ट विद बायर्स एंड सेलर्स टू सेल योर बिजनेस विद समवन हु इज एज पैशनेट एज यू आर. इस साइट पे जाने के बाद यू कैन जस्ट लुक फॉर different categories or you can start selling. So यहाँ पे pricing आ गई है, इस prices को देख के आप यहाँ पे sign up कर सकते हैं अगर आप करना चाहें. इस पर बहुत सारी WordPress websites भी हैं जो आप explore कर सकते हैं. It's a very detailed website. आपको obviously जाके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं. There is an option to sell your business as well. आप sell पे click करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इज योर बिजनेस करंटली ऑपरेटिंग एंड हैज़ बिन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. सो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप अपनी साइट को 6
महीने का टाइम दें और उसके बाद ही अपनी साइट को जाके बेचें. सो यू क्लिक ऑन यस एंड देन आर यू एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के सेलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं. हमारी रिकमेंडेशन हर किसी को है कि वो अपनी वेबसाइट को सेल करने से पहले एटलीस्ट उस पर 100 आर्टिकल्स लाजमी पब्लिश करे, एटलीस्ट एड से थोड़ा बहुत रेवेन्यू लाजमी जनरेट करे. और एक रूल ऑफ थंब कहा जाता है कि अगर आपने अपनी साइट को सेल करना है सो यू कैन मल्टीप्लाई द रेवेन्यू ऑफ योर साइट बाई 12 एंड ऑफर दैट एज द सेलिंग प्राइस ऑफ योर वेबसाइट. सो फ्लिपा को डेफिनेटली एक्सप्लोर करें, देखें. लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स सेल टुगेदर, लेट्स अर्न मनी टुगेदर.